नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध की यह पंक्ति सियासत में अक्सर मौजूद साबित होती है। आज एक बार फिर इसकी अहमियत बढ़ गई है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया टीम के रंगरूटों को जो पाठ पढ़ाया उसे सुनकर आप भी यही पूछेंगे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स है क्या? देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। पांच राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। चुनावों से पहले कांग्रेस एक के बाद एक तमाम राज्यों में नेताओं की बगावत झेलते झेलते आज ऐसे मकाम पर खड़ी है जब देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी रोज एक बगावत को निरस्त करने की जुगत में लग जाती है। अपनी सेना में सेंध पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं और पार्टी के अंदर मौजूद संघ के हितैषी नेताओं पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला कर दिया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल वॉलंटियर्स को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक तरफ वो बीजेपी के फेक न्यूज मॉडल पर हमला कर रहे थे तो वहीं उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों पर गुस्सा उतारा। कहा, डरने वालों को बाहर करो, पार्टी छोड़ने वाले आरएसएस के हैं, हमें नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस के, जाओ भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़ गए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई, सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद ने कमल थाम लिया, पीढ़ियों का नाता कांग्रेस से खत्म कर दिया। राजस्थान में पायलट गहलोत के बीच युद्ध विराम का रोडमैप कांग्रेस बना नहीं पा रही। पंजाब में कैप्टन सिद्धू का पावर संतुलन का फॉर्मूला बिठाने में रोज नए खतरे मुंह बाहर खड़े रहते हैं। कांग्रेस की कंफ्यूजन कथा का अंत नहीं हो रहा। राहुल अपने नेताओं को सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के बहाने खरी खरी सुनाने लगे। एक तरफ राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं को निडर होकर काम करने का संदेश दे रहे हैं तो वहीं अपनी पार्टी छोड़ने वालों पर संघी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। बीजेपी इस पर राहुल को ही घेर रही है। देखिए, जब वंशवाद और व्यक्तिवाद और राज परिवारवाद तीनों एक साथ चलता हो तो उस दल की वही स्थिति होती है जो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, AICC, कांग्रेस संसदीय पार्टी, तीनों का मतलब क्या रह गया है? राहुल, प्रियंका जी और सोनिया जी, राहुल गांधी दलीय व्यवस्था का मर्म, उसका तत्व, कांग्रेस पार्टी की विरासत और कांग्रेस पार्टी के महत्व को स्वयं ही नहीं समझ पा रहे। ये बयान निश्चित तौर से उनके लिए आत्मघाती है। अगर उनकी पार्टी के G23 लोगों ने पार्टी में प्रदेश देश के अध्यक्ष के चुनाव की बात कही तो इसको अगर वो कहते हो कि लोग चले जाएं, तो जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, ये खुद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इनमें न डरपोक न होते तो पार्टी अध्यक्ष के को छोड़ करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आपको सुनाते हैं हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेताओं की बात। कांग्रेस छोड़ने के पहले इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के फैसले लेने की क्षमता पर सवाल खड़े किए थे। राहुल गेव मी ऑडियंस, आई मेड हिम 8-9 टाइम्स, बट प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू टॉक टू राहुल द डिस्कशन वाज सो लाइट दैट इवन द डॉग्स कम इन बिटवीन, ही स्टार्ट प्लेइंग विद द डॉग नॉट विद द ह्यूमन व्हेन यू टॉक विद हिम। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। इस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य। तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो
कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कांग्रेस की सीधी जंग बीजेपी से है और इन राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। ऐसे में क्या छोड़ने वालों को संघ के लोग कहकर समस्या का अंत हो जाएगा या उनको भला बुरा कहने से पार्टी के अंदर की बगावतें थम जाएंगी? आज तक ब्यूरो। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहन गुप्ता मोर्चा संभालेंगे, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, जरा आपको मायने समझाते हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या है मकसद उनके इस बयान का। एक्शन मोड में राहुल गांधी अगर नजर आ रहे हैं तो वो आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को राहुल मंत्र क्या है? जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं, यानी वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, जो छोड़ के गए हैं और साथ ही संघ पर भी उनका निशाना है। कार्यकर्ताओं को राहुल मंत्र में नंबर 2 है, जो डरते हैं वो जाने के लिए स्वतंत्र है। वो कह रहे हैं कि जिनको भी डर लगता है आप इधर उधर की स्थिति में मत रहिए, जाइए। जो डरते नहीं उनका कांग्रेस में स्वागत है। जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो आरएसएस के हैं। बीजेपी की फर्जी खबरों से नहीं डरे आप मुस्तैद होकर पार्टी में जो भी आपको बात कहनी है ये सब कुछ कहें। संघ पर दनादन जो निशाना रहा है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं अब कि 25 मार्च 2021 को आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको परिवार की तरह संघ परिवार कहना सही नहीं है। 25 मार्च 2021 को उन परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग के लिए सम्मान होता है, आरएसएस में नहीं है, इसके परिवार जैसा शब्द उनके लिए सही नहीं है। तो संघ पर वो हमला करते रहे, आरएसएस मजहब के नाम पर हमारे समाज को विभाजित कर रहा है, ये भी उन्होंने 27 मार्च को कहा था। 14 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि जहां आरएसएस होता है वहां नफरत होती है, यानी नफरत फैलाने का सीधा आरोप संघ पर। भारत आरएसएस की अधिनायकवादी सोच का गुलाम होता जा रहा है, ये उन्होंने मौजूदा डिस्पेंसेशन यानी सरकार का संघ के साथ रिश्ते को लेकर कहा था। 1 अप्रैल आरएसएस और बीजेपी ने सीएए के विरोधियों की हत्या की है, विरोध की आवाज को कुचलती है ये सरकार संघ के इशारे पर। 25 मार्च तो ये कुल मिलाकर आरोप है जो वो किया। अब हम आपको दिखा रहे हैं अशोक गहलोत को सीएम बनाए जाने से नाराज है। ये वो बगावते हैं जो आपको रोकनी है। कल को ये अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो सबकी सोच संघी हो जाएगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म नहीं हो रहा है। आप युद्ध विराम लगा ही नहीं पा रहे। मुंबई कांग्रेस में वहां पर संजय निरुपम ने मोर्चा खोला हुआ है। G20 जिसे कहा जाता है, तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी पार्टी में नेतृत्व को लेकर, लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। G23 जिसे कहा जाता है, G23 के सदस्य पार्टी में बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं, जिनमें आनंद शर्मा है, तमाम नेता हैं। आप किस किस को कहिएगा कि ये सब संघी हो गए हैं? G23 के सदस्य पार्टी में बदलाव की मांग कर रहे हैं, उनमें कपिल सिब्बल का भी सवाल है। पार्टी की चिंता है इन्हें या फिर इन पर संघ की सोच की मुहर लगा देंगे आप? गुलाम नबी आजाद, तमाम ऐसे कद्दावर नेता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जिनकी पूरी जिंदगी कटी है, अगर वो रिश्ता तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, पीढ़ियों का रिश्ता था, जितिन प्रसाद का भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी, वो तोड़ा तो क्यों तोड़ा? क्योंकि संघ की सोच आ गई थी उन पर। आज रोहन गुप्ता जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, जरा बताइए, पार्टी के अंदर सवाल खड़े करना संघ की सोच हो जाती है। आज ये कहकर क्या उन परेशानियों का अंत हो जाएगा, निकल जाएगा सुलह का फॉर्मूला आपका पंजाब और राजस्थान में? अंजना जी, जिस प्रकार कह रही है, सवाल पूरा नहीं हुआ, बीजेपी कह रही है आत्मघाती है ये सोच, ये बीजेपी के लिए जरूर आत्मघाती साबित होगा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अंजना जी, जिस परिप्रेक्ष्य में आज राहुल जी ने बात की, करीब 3,500 हमारे जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर को संबोधित कर रहे थे, किसी ने सवाल पूछा कि राहुल जी ऐसे काफी लोग हैं आज जो कोरोना का हैंडलिंग है बीजेपी का उससे नाराज है, नोटबंदी की बात हो, जिस प्रकार से चाइना हमारे देश में घुस रहा हो और सरकार झूठ फैलाने का काम करे, हमको कैसे उनको जोड़ना चाहिए? तब राहुल जी ने बात कही कि कांग्रेस की विचारधारा देश को बचाने की विचारधारा है, वहां डर का कोई काम नहीं, यहाँ कमजोर दिल वालों का काम नहीं है, ऐसे लोग चाहिए हमको जो सिर्फ देश की बात करें। कांग्रेस की विचारधारा है कि हमको देश को कुछ भी करके बचाना है, और ऐसे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, जो डर गए हैं, ऐसे लोगों को हमारा काम नहीं है, और ऐसे लोग चाहिए जो डर नहीं सिर्फ देश को बचाने की बात करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा की बात करेंगे, उनका स्वागत है। क्या गलत कहा उसने? समित जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अंजना जी आज आप देख रही हैं जिस प्रकार से देश की, ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो मजबूती से भाजपा के सामने लड़ पाए, क्योंकि ये भाजपा है कि या तो डर से, भय से, कुचल के, कुछ भी करके उनको अपनी सत्ता की रक्षा करनी है।
उनको देश की नहीं पड़ी है। आज प्रधानमंत्री का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के सेकंड वेव में अच्छा कार्य किया, क्या उन्होंने गंगा में बहती लाशें नहीं देखी? किस प्रकार से कौन ये चीज बोल सकता है? ये झूठ सिर्फ और सिर्फ भाजपा फैला सकती है। अगर उसके सामने आपको लड़ना है तो आपको मजबूत दिल वाले लोग चाहिए, और यही राहुल गांधी का मैसेज था। 3,500 से ज्यादा जो हमारे वर्कर इससे जुड़े थे, सारे वर्कर आज ये मैसेज लेके गए, ये लड़ाई आजादी की दूसरी लड़ाई की तरह है, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए, माफी मांगने वालों के सामने अगर लड़ना है तो आपको मजबूत होकर लड़ना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी का आज मैसेज। राहुल गांधी ने कहा है निडर होकर लड़िए, आप लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। संबित पात्रा जी। हाँ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए अंजना जी, आपने मुझे पूछा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। मैं तो सल्यूट करता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता, कितना डिफिकल्ट काम है, जरा सोचिए आप अंजना जी, कितनी मुश्किल भरी डगर है ये। मतलब क्या क्या डिफेंड करना पड़ता है आप सोचिए, अगर हम लोग को ये सब डिफेंड करना पड़ता हमारी परिस्थिति क्या हो जाती। मैं तो आप प्रणाम करता हूँ रोहन भाई को, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इतने डिफिकल्ट परिस्थिति में भी राहुल जी को डिफेंड कर रहे हैं, ये कोई साधारण विषय नहीं। देखिए राहुल जी ने कहा कि उनको निडर लोगों की आवश्यकता है, जो लोग बिल्कुल डर से परे हो। मैं तो कहता हूं राहुल जी, आप ही डरना बंद कर दीजिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आपने छोड़ दिया था डर के, आप उसे पुनः ग्रहण कर लीजिए, आप फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे 1.5 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष ही नहीं है, दल में बल नहीं है, बल नहीं है तो दल गया है गल। फिर आज छलक रहा है राहुल का जो फ्रस्ट्रेशन है वो हम सब देख रहे हैं। भाई साहब दल में बल नहीं है अभी भी, राहुल के जो हमारे रोहन भाई हैं प्रवक्ता, तो उनके वो कह रहे हैं ऐसे लोग क्यों बनाना चाहते हैं। संबित जी, आप उनको जबरदस्ती अध्यक्ष क्यों बनाना चाहते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। ये तो आप भी जानती हैं, ये तो बहुत नॉटी क्वेश्चन था। आप भी जानती हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, वो बड़े एसेट हैं, देश के बहुत बड़े एसेट हैं वो। आप नहीं जानती हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने। हम तो उनके लिए अच्छा, कौन कहता है कि हम फासिस्ट हैं, कौन कहता है कि हम लोग दूसरों का। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल सुख हो, शांति हो, और वो निरामया मतलब माया से परे जिए, खुशी खुशी रहे। हम चाहते हैं राहुल जी अध्यक्ष बन जाए, इसमें क्या बुराई है? क्यों रोहन भाई भी नहीं चाहते हैं क्या? रोहन भाई भी चाहते हैं राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन जाए, हम सब चाहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए। जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए, बहुत सीरियसली मत लीजिए। नड्डा जी का भी फैसला आपने थोड़ी किया था सर, हर पार्टी में एक दो लोग तय करते हैं। बता दे फिर, ठीक बात है अंजना जी, अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने राहुल गांधी को प्रपोज कर दिया कि आप बन जाइए अध्यक्ष, तो अभी रोहन जी गलत कर दे, उसको बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी वर्किंग कमेटी तय करेगी, राहुल गांधी उस लायक नहीं है, बता दे मेरे को, क्या मैं विड्रॉ कर लूंगा? मैं फिर बोलूंगा नहीं सोनिया गांधी को कंटिन्यू करने दीजिए, हम क्यों ऐसे करेंगे? देखिए ऑन अ सीरियस नोट, वैसे ये सीरियस डिबेट है नहीं, राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे तो वो गीत है ना, तीन बज गए पार्टी अभी बाकी है, इनके यही होने वाला है हर्ष, इनका यही होने वाला है, तीन बच गए हैं पार्टी अभी बाकी है। और वो तीन कौन है आपको पता है? सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये तीन बच जाएंगे, पार्टी फिर भी इनकी बाकी रहेगी। आप ताक लगा बैठे संग संग कर रहे हैं, ये संग का विषय नहीं है, और आप ताक लगा के बैठे हुए हैं। सचिन पायलट, अच्छा सिद्धू जी को वापस लेंगे क्या अगर वो आते हैं? अब पूछ रही हूँ बस ऐसे। नहीं अब वो तो मैं नहीं, नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है ये मेरा विषय नहीं है, ये आप बताइए। ये सारे संघ के एजेंट थे, ये इतने दिन तक क्या, ये गुलाम नबी आजाद जी संघ के एजेंट थे, कपिल सिब्बल जी संघ के एजेंट, शशि थरूर ये इतने हाईफाई इंग्लिश बोलते हैं, ये संघ के एजेंट। आप बताइए ये सारे लोग संघ के एजेंट थे, ये सचिन पायलट संघ का एजेंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हमारे पास आ गई, बताइए ये सारे संघ के एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं इनको, क्यों नहीं हमने बोला है? देखिए मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है ये राहुल गांधी जी बोलते क्या है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू राहुल गांधी एंड रोहन भाई, मैंने उनका एक स्पीच सुना अभी थोड़े दिन पहले, बोल रहे थे कि अब मैं थोड़ा इमोशनल बातें करूंगा, और जब वो वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बने थे, फिर उन्होंने कहा कि यू नो दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट दिस, हमें थोड़ा सा बोल रहा हूँ राहुल जी के बारे में, अच्छा ही बोल रहा हूँ। देखिए फिर उन्होंने भाषण में कहा कि मैं बहुत इमोशनल बातें करूंगा करके कहा कि यू नो दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट एंड पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट एंड पैंट। बताइए पॉलिटिक्स शर्ट पैंट में है, अभी क्या किया जाए बताइए, इसको मैं क्या जवाब दूं? अब देखिए इनके पार्टी का विषय है, पार्टी का विषय, मैं तो फिर भी कहूंगा राहुल जी का अध्यक्ष बनाओ। देखिए संबित पात्रा जी अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, क्योंकि पार्टी में जिस प्रकार से झूठ फैलाने का रोज काम करते हैं, और अगर फिर भी पार्टी कदर ना करे तो दुख होना स्वाभाविक है। बेचारे रोज झूठ बोलते हैं, डिबेट में आके चिल्लाते हैं, कुछ नहीं मिलता, बाकी सब ले जाते हैं,
समित भाई मेरी आप मैं मेरी पूरी भावना आपके साथ है, आप इतना झूठ फैलाते हैं, इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, आप बन जाओ ना कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, आपको तो आपको दे दिया जाएगा वो, आप चिंता मत करो। तो आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, मानसिक तौर पे जो असर हुआ है वो आपके ऊपर, मैं आपके साथ हूँ, वो छोड़ते हैं। देखिए अंजना जी, उन्होंने अभी मुद्दा क्या है, आज जो राहुल गांधी की ये बात करते हैं, उनके एक ट्वीट पे इनके 10-10 ट्रोल मंत्री लग जाते हैं। अभी तो 4-5 की नौकरी चली गई है, इनकी भी जाने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि झूठ में ये फंसने वाले हैं। देखिए अंजना जी, मुद्दा यहाँ पे ये लड़ाई बहुत बड़ी है, यहाँ पे आप अगर छोटी लड़ाई की तरफ इसको देखेंगे, आज राहुल जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। मैं इसमें क्या झूठ बोल रहा हूँ वो बताइए, जो किसान आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उसके खिलाफ उसको राष्ट्रद्रोह बोल देना, जो 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 मजदूर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ केस कर देना, आज महिलाओं की बात हो, मुझे बताइए कि ये बोलना कि कोरोना काल में यूपी ने अच्छा किया, गंगा में बहती लाश देख के कौन वो आदमी बोल सकता है। आज चीन की हम बात कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि डेपसांग एरिया में आदमी चीन है, कौन बोल सकता है कि हमारी सरहदें सुरक्षित है। आज 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 जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे अर्थतंत्र के, पूरी पूरी तरह हमारी इकोनॉमी खत्म हो रही है, कौन बोल सकता है अर्थतंत्र अच्छा काम कर रहा है। लोकतंत्र की बात हो, अर्थतंत्र की बात हो, हर जगह पे सिर्फ अपनी सत्ता के बल से आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को कुचलने वाले क्या दो चार नेता ले जाके अपनी सत्ता। इस बात में तो दम है ना संबित जी, इस बात में तो दम है ना कि आपके सत्ता में रहते हुए आपका प्रचार तंत्र विशाल है। मैं आ रही हूं अनुराग जी, इसके बाद तुरंत आऊंगी, थोड़ा सा इसका जवाब दे दीजिए। आपका प्रचार तंत्र विशाल है, उसको काउंटर करने के लिए तमाम पार्टियों को पूरी ताकत तो झोंकनी पड़ेगी ना। देखिए अंजना जी, मैं जवाब देता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश की स्थिति बहुत खराब है, अर्थस्थिति बहुत खराब है, चीन भी हिंदुस्तान में घुस आया है, इतनी खराब स्थिति हिंदुस्तान की है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही है। सोचिए जरा कांग्रेस की हालत क्या है, मान लेते हैं देश की स्थिति बहुत खराब है, तो ये कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? या ये मोदी जी का काम है कि कांग्रेस को सुदृढ़ करना, कांग्रेस को एक अध्यक्ष देना, राहुल गांधी जी का ट्यूशन लेना और राहुल गांधी जी को निडर बनाना, ये मोदी जी का काम है क्या? अंजना जी आप बताइए, ये इनका प्रचार तंत्र कैसा होगा? बहुत अच्छा प्रचार तंत्र इनका होना चाहिए, ये बहुत निडर होने चाहिए, ये जाके प्रदर्शन कैसे करने चाहिए? आप ये मोदी जी और अमित शाह जी इनकी क्लास लेंगे? नड्डा जी इनको बुला के समझा? देखिए मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बढ़ता, 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड प्लीज प्लीज धीरज रखिए, ये काम 10 सेकंड अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आगे से मैं भी बीच में बोलूंगा, ये तो स्काइप से जुड़े हुए हैं, मैं कैमरा से जुड़ा हुआ हूँ, याद रखिएगा, इन सबके बीच में बोलूंगा, डिबेट पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए शांति रखिए, मेरी आवाज ज्यादा जाएगी, मैं कैमरा से जुड़ा हुआ हूँ, आपके पूरा बीच में बोलता रहूंगा, इसलिए शांति से बैठिए और सुनिए, 10 सेकंड के बाद आप बोलिएगा, इसलिए स्काइप से जुड़े हैं आप, बिल्कुल कटसी के साथ डिबेट करिए, वरना वो भी बीच में मैं बोलूंगा तो कट जाएगा। देखिए अंजना जी, आप तो हमारी बात भूल जाइए, नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो धमकी नहीं है, मैं ये इंटरफेरेंस तो इन्हीं का है, मैं तो भूल जाइए मेरी बात, यहाँ तो मेरे भाई बैठे हुए हैं अनुराग भदौरिया जी, पूछिए इनसे जरा, बैठाया था ना साइकिल के कैरियर पे राहुल गांधी को, क्या हुआ पूछिए जरा, साइकिल लेके दो अच्छे लड़के चले थे, क्या हुआ साइकिल का? पंचर हुआ, अभी तक पंचर लग नहीं पा रहा है, और ये बोल रहे हैं जीजी क्या अभी जीजा कोई बचा नहीं सकता है, ऐसा पंचर हुआ है आपकी साइकिल में, बैठाओ और अच्छे लड़के को बैठाया था, अच्छे लड़के को, अब बताओ राहुल गांधी कैसा है, बताओ अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं? देखिए अंजना जी, चिंता आज देश में झूठ जुमले का एक आतंकवाद शुरू हुआ है, जो जिसके नायक है संबित पात्रा और झूठ जुमले का आतंकवाद की टीम, ये क्या करते हैं सोचिए आप, सनातन धर्म को आरएसएस से जोड़ने की बात कर रहे थे अभी, कह रहे सनातन धर्म का मतलब इनको नहीं पता सनातन धर्म क्या होता है, आरएसएस ना धर्म सनातन धर्म को मानती है ना सनातन धर्म के दर्शन को मानती है, दोनों को नहीं मानती है, इनको शायद पता नहीं सनातन धर्म हमेशा समन्वय की बात करता है, हमने नहीं लिया है सनातन धर्म पे ये प्रवचन क्यों कर रहे हैं, सनातन धर्म हमेशा शक्ति सत्ता और समृद्धि तीनों को अलग रखा गया, एक साथ कभी नहीं दिया गया है, और उसने हमेशा से सबको एक साथ लेने की बात कही है, वो तो पूरे विश्व को एक साथ लेने की बात करता है, तो सनातन धर्म जब सबको एक साथ चलने की बात करता है तो आप उसमें अंतर क्यों डालने की कोशिश करते हो, आप क्यों बीच में यहाँ पे नफरत की राजनीति क्यों शुरू करते हो, आप सनातन धर्म को धर्म और दर्शन के हिसाब से नहीं देखते, आप उसका राजनीतिकरण करना चाहते हो, आप उसको राजनीतिक फायदे से इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन आरएसएस का व्यक्ति है जिसने यहाँ पे जब आंदोलन जब हमारा
संविधान खतरे में था जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी, कौन आरएसएस का आदमी आया था तब समाजवादी विचारक आए। अंजना जी विषय तो राहुल गांधी का है, ये क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म पे क्यों हमको लेक्चर दे रहे हैं। तब भी आप ये नहीं थे, तब भी यहाँ पे कौन हुआ था, शहीद कौन लोग हुए थे, तब यहाँ पे हुए थे भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, यहाँ पे शुक्ला खां हुए, ये सब समाजवादी सोच रखते थे क्योंकि समाज के साथ उनके लिए हिंदुस्तान एक था, हिंदुस्तान के सभी जाति धर्म के ये लोग एक थे, इसलिए वो शहीद हो गए। आप ऐसे लोग समाजवादी क्या करते हैं, ये मेरा है, ये सब मेरे हैं, इधर उधर जहाँ मेरे लोग हैं वहाँ इधर मेरे रहेंगे, जो आरएसएस के बस उन्हीं के लिए लड़ेंगे। तब तो आप माफी मांगते डर के मारे भाग गए, भारत छोड़ो आंदोलन में आपने पार्टिसिपेट करने से बंद कर दिया। कमाल के लोग हैं आप हिंदुस्तान के बारे में नहीं जानते, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में नहीं जानते, आप सिर्फ एक ही चीज जानते हो, हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू और मुस्लिम के बीच की बात करना चाहते हो आप कभी हिंदुत्व की बात नहीं करते। हिंदुत्व बहुत बड़ा होता है। ये चाबी लग गई, ये चाबी बंद नहीं होगी, चाबी बंद करिए, ये चलता रहेगा नहीं तो गाड़ी पूरा। झूठ बोलना नहीं सिखाता, हिंदुत्व कभी जुमले के साथ नहीं होता। विषय क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रही है, इनकी साइकिल कहाँ जा रही है, ठीक है संगीत रागी जी, देखिए जवाब दीजिएगा संगीत रागी, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है। एक सेकंड मिस्टर रागी, मिस्टर रागी मैं जवाब लूंगी अनुराग जी आपकी बात का, संबित जी से रागी। अंजना जी अनुराग को एक सलाह है कि कायदे से उनको भारतीय राजनीति पर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आपातकाल के संघर्ष की आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के अतिरिक्त इस देश में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका योगदान है आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसके कार्यकर्ता ही हैं, जो कम से कम 18 महीने और 14 महीने एक नहीं कम से कम लाखों कार्यकर्ताओं को उनको जेल दिया गया था। दूसरी बात, देखिए राहुल गांधी, देखिए एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने प्लीज अनुराग रागी जी को बोलने दीजिए, भदौरिया जी अनुराग आप थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिएगा, दिक्कत है ना कि आप अभी स्कूल के बच्चे की तरह बात करते हैं, मैं स्कूल के बच्चे से नहीं बात कर सकता ना, स्कूल के बच्चे के साथ तर्क नहीं कर सकता, आप क्योंकि पढ़ करके नहीं आते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, आप एक ही बात रिपीट करते हैं। दूसरी बात अंजना जी, राहुल गांधी की बौद्धिकता पर आप हंस सकते हैं, आप तरस खा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बहस के विषय नहीं है। एक कहा जाता है कि एक आदमी सिर्फ गलतफहमी करता है। नहीं नहीं संगीत रागी जी, संगीत रागी जी देखिए एक सेकंड, एक काउंटर तो सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए वो संघ की विचारधारा वाले थे, इसमें क्या गलत है, जिसको एक सेकंड एक उदाहरण नहीं रहा होगा, हजारों रहा होगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद ने बीजेपी और संघ की सोच के खिलाफ बोला होगा ना, तो उस विचारधारा को एक्सेप्ट जो लोग कर लेते हैं उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। अंजना जी मेरी बात सुन लीजिए, अंजना जी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के वक्तव्य को आप देख लें तो आप उस पर सिर्फ हंसी और ठहाका लगा सकते हैं। कोई आदमी यदि आईटीओ के चौक पर आकर के यदि मूर्खतापूर्ण बातें करे तो उस पर बात नहीं हो सकती, उसको लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले सकता। राहुल गांधी को उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं ले सकते। वो आरएसएस के बारे में क्या बोलते हैं, किस संगठन के बारे में बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई भी बौद्धिक वर्ग उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। आपको दिखाते जरा तस्वीरें, पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर की तस्वीरें आ रही हैं। हरीश रावत ने कहा था, जो कि प्रभारी है पंजाब के, उन्होंने कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो जश्न मन रहा है और तस्वीरें आ रही है सिद्धू के घर पर, जिंदाबाद के नारे उनके घर पर लगाए जा रहे हैं, और ऐसा बताया गया कि वहां पर केक और मिठाई खिलाया जा रहा है। ये देखिए मिठाई का दौर चल रहा है। रोहन जी ये क्या हो गया, पहले मैं संगीत रागी जी का जवाब दे दूं फिर इसके ऊपर आता हूं। देखिए संगीत रागी जी मजबूरी है क्योंकि जो अंग्रेजों के साथ बैठकर उनके माफी जो मांग सकते हैं, जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर सकते हैं, उनसे देश के मत बौखलाइए आपकी हकीकत पुरानी जो है देखना पड़ेगा, मत बौखलाइए प्लीज। मेरा यही कहना है अंजना जी, एक बार भी आपको जो संघ के समय बीच में बोलिए हुआ था, तो पार्टीशन के समय लोग अपने बाहर एक बार भी एक साथ प्लीज आवाज काटिए, दोनों की काटिए। देखिए ये स्काइप पे आप लोग जुड़े हुए हैं, दो लोगों का एक साथ बोलना मतलब किसी की आवाज ना समझ में आना, प्लीज ये टेक्निकल प्रॉब्लम है,
मिस्टर रागी, मिस्टर रागी रुकना पड़ेगा, आपका नाम रोहन नहीं है, रोहन जी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगी, रोहन जी संबित जी को दिखाएं। मेरा सिर्फ ये कहना है अंजना जी कि इनसे ही अपेक्षा रखना कि देश के आम नागरिक की बात करें बहुत दूर की बात है। आज राहुल जी की बात करते हैं, जैसे ही ट्वीट करते हैं डिबेट पे आते हैं, भैया क्यों आते हैं डिबेट पे अगर आपको सीरियसली लेना है। देखिए मुद्दा यहाँ पे जब देश की बात करेंगे चैलेंज आएगी अंजना जी, बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है भाजपा ने, मुश्किल है, पर हम लोग डर के नहीं कर सकते इसको, हमको मिलकर देश को बचाना होगा और यही राहुल गांधी जी का संदेश था। संगीत रागी जी जैसे लोग यहाँ पे भाजपा की बी टीम बन के आएंगे, क्या उनका महत्व है? अरे आप लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी है, आप लोग तो हमेशा देश के खिलाफ चले हो, डिवाइड एंड रूल आज वही कर रहे हो। आपकी सत्ता चल क्यों रही है? क्योंकि आप देश को लड़वा रहे हो और देश की जनता ये जान चुकी है। आप जब गिरोगे इतनी बुरी तरह गिरेंगे, ये आज जो आज डॉक्टर साहब दांत तो दिखा रहे हैं पर इतनी बुरी तरह ये गिरने वाले हैं कि आपको देश की जनता माफ नहीं करने वाली। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। बात हो कुछ भी बात हो, अर्थतंत्र की बात हो, अब हो गया हो, अब देखिए इनके बीच में मैंने नहीं बोला। अब अंजना जी जैसे आपने संगीत रागी जी की आवाज को भी, थैंक यू, अब मैं बोल लू। देखिए अंजना जी ये बोल रहे हैं भविष्य में आप गिरेंगे तो बहुत बुरी तरह गिरेंगे, मुझे आश्चर्य होता है और तरस भी होता है। ये खुद गिरे पड़े हैं मगर दूसरा कब गिरेगा उसकी गणना कर रहे हैं कि आप भविष्य में गिरोगे। अरे भाई साहब हम तो मंगल कामना कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, जो गिरे हुए हैं उठो तो सही, इसमें इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। अंजना जी देखिए आज का डिबेट भारतीय जनता पार्टी या संघ के ऊपर नहीं है, आज का डिबेट कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के एजेंट हैं उनके ऊपर है, क्योंकि खुद इनके अध्यक्ष ने कहा है, पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि कुछ एजेंट थे आरएसएस के हमारे पार्टी के अंदर, वो चले गए और बाकी एजेंट भी चले जाए। अंजना जी ये फिर से बीच में बोलते हैं, आप दूसरों को तो रोकना है, इनको भी रोकने का काम करिए। प्लीज 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 रोहन जी मैं जवाब लूंगी, आप इनके भी आवाज को कम कर दीजिए ताकि, धन्यवाद। देखिए अंजना जी आज पंजाब में परिस्थिति क्या है, आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि ये सिद्धू जी के घर में क्या हो रहा है, कोई जवाब इनके पास है नहीं। आज कैप्टन और सिद्धू के बीच में तलवारें तनी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में अवस्था क्या है, टीएस सिंहदेव के बीच में और बघेल जी के बीच में तलवारें तनी हुई है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? आज राजस्थान में क्या हो रहा है, आज राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में लड़ाई हो रही है और निकम्मा नकारा ये सब शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री गहलोत जी ने किया है, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी ने कराया है? और अगर आरएसएस के लोग आपके पार्टी के अंदर घुसे हुए थे 40-40, 50-50 साल से वो मेंबर थे तो ये बहुत बड़ा फेलियर है आपकी पार्टी का, ये आपकी अध्यक्षा सोनिया जी का फेलियर है, ये राहुल गांधी जी का फेलियर है कि पूरी की पूरी पार्टी में आधे लोग आरएसएस के हैं और आप लोग जान नहीं पा रहे हैं। मुझे तो शक होता है कहीं राहुल गांधी, कहीं सोनिया गांधी कल को ये ना कह दे कि तो मुझे सबसे बड़ा एजेंट तो ये राहुल गांधी ही लग रहा है, क्योंकि आजकल तो लोग कहने लगे कि क्या तुम लोगों ने कोई एजेंट बैठाया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो भी बीजेपी के एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं ऐसा लोग कहने लगे, तो क्या वो भी एजेंट हैं? इसका जवाब वो दे। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए यहां निडर 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 की बात हो रही है, मैं राहुल जी को कहूंगा आप बिल्कुल निडर बनके डिसाइड करिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा पंजाब में, आप निडर बनके आज डिसाइड करिए कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं छत्तीसगढ़ में, आप निडर बनके डिसाइड करिए कि जहां तक राजस्थान का सवाल है वहां पर 32 नए मंत्रियों को आप शपथ दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, या ये सब काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप पहले निडर बनिए। और राहुल जी आप में इतनी अगर निडरता है, इस बार चुनाव प्रचार के लिए अमेठी जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देखते हैं जरा कितनी निडरता है आप में, देखते हैं जरा आप कितना नहीं डरते हैं, जाएंगे क्या अमेठी? क्या अमेठी निडर होकर राहुल गांधी जाएंगे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और एक सवाल मेरा भी, क्या विचारधारा के एक कंफ्यूजन से कांग्रेस गुजर रही है? आप देश में चुनावों की हवा देखते हैं, फिर आप गंगा स्नान से लेकर मंदिर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं, फिर कहते हैं कि संघ की सोच रखने वाले थे जो छोड़ के चले गए, आपकी पॉलिटिक्स क्या है मिस्टर गुप्ता? देखिए अंजना जी पहले इनका मैं जवाब दे दूं, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, उनके प्रधानमंत्री के पोस्टर से, मुख्यमंत्री के पोस्टर से प्रधानमंत्री के पोस्टर यूपी में गायब हो जाते हैं हमसे सवाल पूछेंगे, उनके कर्नाटका में उनके मंत्री कहते हैं कि उनके सीएम का इंटरफियरेंस है वो हमसे सवाल पूछेंगे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग में ओपनली झगड़ा होता है वो हमसे सवाल पूछेंगे, गुजरात में जहां पे उनके प्रेसिडेंट और सीएम बात नहीं कर रहे वो हमसे सवाल पूछेंगे। अरे शर्म करिए, देश की जनता आपको देख रही है, भगवान है, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, राहुल जी को बना दो प्रेसिडेंट, काम खत्म, मुंह बंद रखिए, चलो बीच में बोल रहे हैं, अरे नक्की करते हैं, नक्की करते हैं, सारा नहीं करते, चलो बना दो प्रेसिडेंट, बना दो, अरे राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना देते हैं मेरे भाई, दोनों मिलकर चलो
डिक्लेयर कर देते हैं, तनाव आपके मुंह पे प्रेसिडेंट बना देते हैं आपको, आप झुंझुना खिलाते रहिए, नहीं नहीं कोई तनाव नहीं, राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना देते हैं मेरे भाई, छोड़ो ना इतना, क्या इतना डिबेट डिस्कशन होने वाला है। अंजना जी, अंजना जी आप जरा मीडिएटर बन जाइए, हम दोनों डिक्लेयर कर देते हैं राहुल गांधी प्रेसिडेंट बन गए, सर पे बैठेंगे आप, यही करेंगे, आपका काम यही रहने वाला है, आप कभी कुछ पाएंगे नहीं, बाहर से लोग आइए उनको सत्ता दीजिए, कोई हम कोई चिंता में, मैं तो राहुल गांधी कैसे पाएगा उसकी चिंता कर रहा हूँ भैया, छोड़ दीजिए हमें, बोकलाइए मत, मत बोकलाइए, मत बोकलाइए, हो गया, अरे राहुल गांधी का सवाल का जवाब छोड़ो ना, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? बिल्कुल पॉलिटिक्स बहुत क्लियर है कि हमको देश को बचाना है, जब हम कोरोना काल की बात थी तब यही सिर्फ पार्टी करी थी, जब मजदूरों को बचाना है, देश को बचाना है, सुबह से उसका मतलब क्या होता है, लेबर की बात हो, गाड़ी तो चल नहीं रही है कार, देश को बचाने चले, वैक्सीन के मुद्दे की बात हो, आज उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीन का घोटाला किया, पूरी पॉलिसी को खराब कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी के प्रेशर के बाद में सिर्फ वो प्रधानमंत्री को आत्मज्ञान हुआ कि देश का क्या बुरा हाल होगा, आज देश के सामने देख, कांग्रेस पार्टी ने जो बाइडेन को भी प्रेसिडेंट बनाया, पूरे विश्व में वैक्सीन भी दिलाया, मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो पेंडेमिक नहीं है, जब राहुल गांधी कार तो चल रहा है, खाली कार में बैठे हुए हैं, यही है कांग्रेस का हाल भी, खाली कार में बैठे चिल्ला रहे हैं सब, कार चल नहीं रही है इनकी, पता है अंजना जी, जो राहुल गांधी, अंजना जी जरा कैमरा पर्सन को कहिए कैमरा पैन करके दिखाएगा, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल भी नहीं रही है, उसमें बैठ के चिल्ला रहे हैं, और जिस प्रकार से गाड़ी चल नहीं रही है, इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं खाली गाड़ी में बैठ, पूरा देश पहचान चुका है अंजना, अब देश माफ नहीं करेगा, जो वैक्सीनेशन में इन्होंने देश राहुल गांधी को पहचान चुका है, चिंता मत करो, 50% लोग वैक्सीनेट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इनके झूठ के कारण, सिर्फ किस और इनके नाकामी के कारण, क्यों आज को कौन से देश में, राहुल गांधी जी वैक्सीनेशन पे नहीं बोल रहे थे, वो आरएसएस के एजेंट पे बोल रहे थे जो आपके पार्टी में है, उसपे बताओ ना आप, क्या वो अमेठी जाएंगे, अरे अंजना जी इनसे प्लीज पूछ लो ना कि अमेठी जाएंगे क्या राहुल गांधी जी प्रचार करने के लिए, सिर्फ भाजपा बोल सकती है, और देश की चलिए हालत बहुत खराब है देश की, क्या राहुल गांधी जी अमेठी जाके प्रचार करेंगे इस खराब हाल में, देश को बचाने के लिए सिर्फ कांग्रेसियों को अपने सर बता तो दो, घूमना कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ अच्छा कांग्रेसियों को सर पे नहीं बैठाना है, मैं तो बोल रहा हूँ राहुल, अरे भाई साहब मैं तो सर पे राहुल गांधी को ही बैठाया हुआ हूँ, प्रेसिडेंट बना देते हैं, छोड़ो ना ये सब, अरे छोड़ दो लड़ाई झगड़े, छोड़ दो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आप इनको प्रेसिडेंट बना दो, राहुल गांधी कुछ नहीं मिलेगा, यही राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दो, अरे मेरे पे आक्रमण करके कुछ नहीं होगा, मैं तो आप पे आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने की बात कर रहा हूँ, एक कमेंट जल्दी से लेते हैं, उन दोनों को दिखाई, अनुराग जी को दिखाई और संगीत रागी जी को, संगीत रागी जी आप जवाब देना चाह रहे थे उनका, देखिए अंजना जी, राहुल गांधी जब जब मुंह खोलते हैं, कई बार कहा जाता है कि यदि आपकी अज्ञानता है, आपने बौद्धिकता नहीं है तो आप चुप रहें तो बेहतर है, राहुल गांधी जब जब बोलते हैं वो इतनी गलतियां कर जाते हैं कि वो हंसी के पात्र हो जाते हैं। दूसरी बात, विचारधारा नाम की चीज कांग्रेस पार्टी के दिन के पास आज के दिन में नहीं रही नहीं है, आप विचारधारा की आप बात करते हैं तो कांग्रेस को बताया तो सही कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, देश बनाना है, देश बचाना है, पिछले 8 साल से आप चिल्ला रहे हैं लेकिन देश की जनता आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, आप गांधी परिवार आपस में ही लड़ रहा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है अपने वर्चस्व के लिए अपने अपने खेमे की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, राजस्थान में लड़ रहे हैं, गांधी परिवार की आपसी खेमेबंदी जो है वो पंजाब में लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में आप परिवार बचा ले यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, देश बचाना तो बहुत दूर की बात है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी क्योंकि सब आप पे आक्रमण करे, जल्दी से एक बार भदौरिया जी का कमेंट आ जाए। देखिए अंजना जी, आपने देखा देश का कितना दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सरकार मिला है, वो एक दूसरे का घर झांक रहे हैं, आपको देश की जिम्मेदारी मिली है कि आप यहाँ का युवा रोजगार और बेरोजगार है, आप हत्या करो उसके बारे में, अरे भाई आप तो यादवी समाजवाद से आगे बढ़े ही नहीं है अनुराग भाई, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया, अनुराग भाई, अनुराग भाई आप तो यादवी समाजवाद से आगे ही नहीं बढ़ रहे, आपकी पार्टी सुनिए आपकी पार्टी सिर्फ दर्शन चाकरी है, यहाँ पे धर्म और दर्शन का अंतर समझाते तो ही मैं जानता हूँ, ये सनातन धर्म और दर्शन का अंतर नहीं जानते, वो यहाँ टीवी में बैठ के कहानी बता रहे हैं, आपको इतने बड़े देश की जिम्मेदारी मिली है, आपको हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात थी, आप यहाँ व्हाइट पीले निक्रोमी बनाने की बात थी, तो आप एक दूसरे के घर में झांकने में लगे हो कि यहाँ सेवरी में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे पंजाब में क्या हो रहा है, अरे देश में क्या हो रहा है, आपने देखा कि देश के लोग कितने तड़प रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के यहाँ देश के लोग मर रहे हैं,
रोहन जी, चूंकि मैंने कहा था वादा आपसे एक लाइन का जवाब सिर्फ। मुद्दा यहाँ पे अंजना जी आपने डिबेट की, यहाँ कहीं देश की बात नहीं आई। संगीत रागी हो या संबित पात्रा हो, ये कांग्रेस की जितनी सोचते हैं अगर उससे 10% डिबेट का विषय था कि कांग्रेस पार्टी में कितने संघ के एजेंट हैं, वो का बाहर निकलेंगे, ये टॉपिक था। चलिए बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।